नमस्कार दोस्तों, आज आपका लर्निंग एंड गाइड प्लेस में स्वागत है। आज हम फिर से 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री लेकर आए हैं, पार्ट टू। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 2 सॉल्व किए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, आए हम देखते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर आपको बहुत सारे पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। नाउ क्या है आंसर, लिखते टाइम हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट क्या है, 3। नाउ नेक्स्ट क्या है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट इज व्हाट, 6। तो अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। आपको एक चीज़ पता है कैसे सॉल्व करना है डिस्टेंस, हम हमेशा बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर्स को सब्स्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें से 6 बड़ा है, 6 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 3 and 6 इज व्हाट, 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, -9 and -1। तो जैसे हमने स्टेटमेंट लिखा है, इसका भी सॉल्यूशन का स्टेटमेंट वैसे ही आएगा सेम, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, -9, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, -1। नाउ अगेन आपको ये नेगेटिव नंबर्स हैं, जितना आप बिगर नेगेटिव नंबर्स जाएंगे वो क्या होते हैं, स्मॉलर होते जाते हैं। तो -1 इज ग्रेटर देन -9, तो यहाँ पे आपका -1 इज ग्रेटर देन -9। तो अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्या है, -9 and -1। हमने क्या देखा है, हमेशा बिगर नंबर पहले आता है, तो -9 and -9। नाउ यहाँ पे अगेन आपका 2 नेगेटिव नंबर्स साथ में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 plus 9। टू नेगेटिव साइन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा आंसर। तो अब यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 8। तो क्या होगा आपका, Distance between point -9 and -1 is what, 8। बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि ऐसे ही हमें सॉल्व करने हैं, सिमिलर हैं। कुछ फ्यू क्वेश्चंस थोड़ी डिफरेंट है, मैं वो सॉल्व करती हूँ, बाकी सारे आप ऐसे ही आप घर पर बैठकर सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपके साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आइए अब हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, x-2। यहाँ पर x दिया हुआ है, कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम ऐसे करेंगे, लेट वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, x। तो आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज वॉट, 0। हम यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे, x की वैल्यू हम 0 अज्यूम करेंगे। तो देयरफॉर हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट इज वॉट, -2। नाउ आपको पता है डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमेशा बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं। नाउ इसमें से बिगर नंबर क्या होगा, 0 and -2, ऑब्वियसली 0 होगा, 0 is greater than always negative number। सो 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर इज -2, देयरफॉर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड -2 इज वॉट, 0 minus -2। नाउ अगेन आपका यहाँ पे 2 नेगेटिव नंबर्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 2
any numbers when you will add in 0, you will get the same number. So distance of x and minus 2 is what? 2. Now अब हम next question लेते हैं जो कि textbook का 5th question है. Question क्या है? x plus 3, x minus 3. Now यहाँ पर आपको proper value नहीं दिया हुआ है. यहाँ पर क्या दिया हुआ? x plus 3 and x minus 3. इसे भी हम जैसे हमने previously question solve किए हैं वैसे ही solve करेंगे. Coordinate of first point is what? X plus 3. Next is what? Therefore, coordinate of second point is what? X minus 3. Now, हमेशा आपको पता है, greater number पहले लेते हैं और smaller number को minus करते हैं. तो, इन दोनों में से greater कौन होगा? Obviously, plus वाला होगा. तो, हम क्या लेंगे? X plus 3 is greater than X minus 3. Therefore, distance between X plus 3 and X minus 3 will be X plus 3 minus X minus 3. Now, यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके हम हमारे ब्रैकेट को ओपन करेंगे. ब्रैकेट ओपनिंग x प्लस 3 माइनस को पॉजिटिव से करोगे तो माइनस मिलेगा एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3. नाउ यहां पर क्या होगा? ये x एंड माइनस x विल बी गेट कैंसिल. तो कौन बचा? 3 प्लस 3. व्हाट यू विल गेट द आंसर? 6. सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ x प्लस 3 एंड x माइनस 3 इज व्हाट? 6. ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है. होप आप ये अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए इजी हो गया होगा और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन अ नंबर लाइन इज व्हाट? -7. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ नंबर लाइन व्हिच द डिस्टेंस ऑफ ये 8 फ्रॉम द यूनिट फ्रॉम द पॉइंट P. आइए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन अ नंबर लाइन इज व्हाट? -7. वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन व्हिच आर द डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट P. इट मींस आप एक नंबर लाइन है आपका, वहां पर एक पॉइंट है P और इसका क्या है? कोऑर्डिनेट -7 और इसने क्या बोला है? 8 यूनिट. नाउ 8 यूनिट लेफ्ट साइड में भी हो सकता है और राइट साइड में भी हो सकता है. तो हम इसके लेफ्ट साइड में भी एक पॉइंट ले लेंगे A और राइट साइड में भी पॉइंट ले लेंगे B और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है. तो हमें अब कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है पॉइंट A का एंड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है पॉइंट B का. तो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे A का कोऑर्डिनेट क्या है? X और B का कोऑर्डिनेट क्या है? Y. तो पहले हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. देयरफॉर लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज व्हाट? X. एंड गिवन क्या दिया है? सिंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज व्हाट? -7. अब हम इन दोनों के बीच का हम पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कि डिस्टेंस क्या दिया है. नाउ अगेन आपको पता है डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं. अभी x क्या है? हमारा लेफ्ट साइड में है और -7 क्या है? राइट साइड में. तो हमेशा लेफ्ट साइड वाली साइन हमेशा छोटी होती है. तो इसमें से बड़ा कौन होगा? -7. तो -7 इज ग्रेटर देन x. सो व्हाट डिस्टेंस ऑफ p एंड a इज व्हाट? -7 माइनस x. नाउ डिस्टेंस ऑफ पी ए ऑलरेडी इज गिवेन, इट इज व्हाट? 8. यहाँ पे लिख लीजिए डिस्टेंस ऑफ पी ए. डिस्टेंस ऑफ पी ए इज व्हाट? 8. ये ऑलरेडी आपका गिवन है. तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 8 इक्वल टू -7 माइनस x.
नाउ ये माइनस सेवन, माइनस एक्स को हम इस तरफ लेके आएंगे और एट को नेक्स्ट साइड लेके जाएंगे, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस सेवन माइनस एट, देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस फिफ्टीन। तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपको, माइनस फिफ्टीन। नाउ इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज व्हाट, एक्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस फिफ्टीन। सो ऐसे ही हम वाई के लिए भी फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज व्हाट वाई। नाउ अब हम ऐसे ही लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज व्हाट, माइनस सेवन। नाउ अब इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, ये राइट साइड में है और ये लेफ्ट साइड में, तो हमेशा राइट साइड वाली वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। तो देयरफॉर वाई इज ग्रेटर देन माइनस सेवन, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड बी इज ऑलरेडी गिवन, एट दिया हुआ है। नाउ हाउ वी विल सॉल्व, डिस्टेंस ऑफ पी बी इज व्हाट, बी माइनस पी। नाउ बी का वैल्यू क्या है, वाई, माइनस पी का वैल्यू इज व्हाट, माइनस सेवन। नाउ डिस्टेंस ऑफ पी बी इज व्हाट, एट, सो देयरफॉर एट इक्वल टू वाई प्लस सेवन। यहाँ पर माइनस माइनस है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। नाउ ये अगर राइट साइड में आ जाएगा तो इसका अपोजिट साइन आ जाएगा, माइनस इक्वल टू वाई, तो एट माइनस सेवन इज व्हाट, वन। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज व्हाट, वाई। पहले हमने क्या रिज्यूम किया था, वाई। नाउ वाई की वैल्यू क्या मिली है आपको, वन। तो आपको ए की वैल्यू क्या मिली, माइनस फिफ्टीन, एंड बी की वैल्यू मिली वन। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो आज हमने प्रॉब्लम सेट नंबर वन के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप प्लीज़ आप कमेंट में आप मुझे क्वेश्चन नंबर मुझे आप दे सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर आपको फिर से कुछ एक्सप्लेनेशन या फिर कुछ भी जो भी मुझसे होगा मैं करूँगी। और मेरा अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल लर्निंग एंड गाइड प्लेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।